हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस फॉर योर अपकमिंग सी एफ एफ एग्जाम एंड आल्सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर यस एग्जाम छोटी वीडियो रहेगी बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे इसको सबसे पहले देखते हैं पहली रिपोर्ट जो है एनुअल इन रिपोर्ट एनुअल इक्वालिटी रिपोर्ट किसने निकाली है ऑक्सफर्म इंटरनेशनल ने राइट right? और इसका टाइटल रखा था रिपोर्ट का सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट एक मीटिंग हुई थी इंपॉर्टेंट कहाँ पर डाबोस के अंदर जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग uh, चल रही थी दैट इज एन एनुअल मीटिंग इसका हेडक्वार्टर आप देखोगे केनिया के अंदर है और इसके अंदर इतना ही आपको पता होना चाहिए प्लस एक चीज आपको जो पता होनी चाहिए वो ये है इंडियन स्पेसिफिक जो रिपोर्ट है एक्सप्राम इंटरनेशनल की वो आपको पता होनी चाहिए आप उसको पेपर टू में यूज़ कर सकते हो नेक्स्ट इज ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है पांच कैटेगरी के अंदर आप देखोगे इसके अंदर इसकी फाइंडिंग है इकोनॉमिक एनवायरमेंटल जियोपॉलिटिकल सोसाइटल एंड टेक्नोलॉजिकल पांच इंडिया के लिए सबसे टॉप मोस्ट रिस्क इन्होंने बताए हैं क्या क्या है डिजिटल इक्वालिटी जियो पोलिटिकल कंटेस्ट फॉर रिसोर्स दैट इज इंपॉर्टेंट रियली इंपॉर्टेंट कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस डेप्ट क्राइसिस नेचुरल डिजास्टर्स जैसे एक क्वेश्चन आया था वट कैन बी डन टू स्टॉप वॉर्स दो के अंदर वॉर्स क्यों होते हैं दैट इज जियो पोलिटिकल कंटेस्ट फॉर रिसोर्सेज आप इराक के अंदर इन्वेजन हुआ था आप अफगानिस्तान के अंदर देखोगे इन्वेशन हुआ था सम टाइम इट इज जो पॉलिटिकल समटाइम्स इट इज फाइट फॉर द रिसोर्सेज यूज कर सकते हो आप इस रिपोर्ट को कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस आप देख सकते हो कि अर्बनाइजेशन इंडिया का बहुत रैपिड वे से हो रहा है नई रिपोर्ट भी है जिसमें आपको पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ चुकी है टॉप मोस्ट कंट्री हो चुकी है इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन दूसरा आपको पता है कि सेंसस 2011 के अंदर भी आपने देखा था कितनी पॉपुलेशन अर्बन एरियाज के अंदर रहती है एंड इट इज प्रोजेक्टेड कि नेक्स्ट पांच साल के अंदर इंडिया के अंदर कितनी पॉपुलेशन जो है इंडिया की अर्बन एरियाज के अंदर रहेगी तो आने वाले टाइम पे कॉस्ट ऑफ लिविंग और भी ज्यादा बढ़ने वाला है नेक्स्ट इज डेट क्राइसिस कर सकते हो आप एनबीएस से कनेक्ट कर सकते हो नेचुरल डिजास्टर दिस टाइम इज रियली इंपॉर्टेंट तो ये जो रिपोर्ट है मुझे लगता है अभी तक सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है पेपर टू के परस्पेक्टिव से नेक्स्ट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2023 रिपोर्ट है कौन निकालता है इसको यू एनडीई एस एंड अंग टाट अब आप इसको देखोगे यू एन के अंदर एस्टैब्लिश हुआ था और हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है सबसे पहले रिपोर्ट की फाइंडिंग की बात कर लेते हैं इन्होंने कहा कि वर्ल्ड आउटपुट ग्रोथ डी डीएक्सलरेट करेगा 1.9 परसेंट से ठीक है 2023 के अंदर इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है नेक्स्ट इस आप इसमें अंकटाड का भी देखोगे एस्टेब्लिश 1964 में ही हुआ था और इसका जेनेवा के अंदर हेडक्वाटर है नेक्स्ट इज रूल ऑफ लॉ इंडेक्स आप देखोगे रिलीज बाय वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट अब वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट इसको निकालता है और इंडिया का रैंक सेवेंटी सेवन है डेनमार्क ने इसको टॉप किया है इतना पता होना चाहिए जैसे रूल ऑफ लॉ इंडिया कर इंडिया में एक क्वेश्चन बन सकता है इंडिया के पर्सपेक्टिव में क्या रूल ऑफ लॉ अभी इंडिया के अंदर नहीं है क्या आप देखोगे दूसरी तरफ एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी कोई इंडिया का बहुत बेटर नहीं है दूसरा आप देखोगे इंडिया के अंदर मॉबलिंचिंग हो रही है बहुत ज़्यादा हेट स्पीच जैसी प्रॉब्लम है इन सभी प्रॉब्लम्स को आप लिख सकते हो इसके अंदर यू कैन मैंशन रूल ऑफ लॉ इंडेक्स आप इसके अंदर एट फैक्टर्स हैं वो पैरामीटर्स हैं जज करने के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को जैसे कॉन्स्टेंट ऑन गवर्नमेंट पावर्स एबसेंस ऑफ करप्शन ओपन गवर्नमेंट है या नहीं है ट्रांसपेरेंसी है या नहीं है फंडामेंटल राइट्स को महत्व है या नहीं है ऑर्डर सिक्योरिटी रेगुलेटरी एन्फोर्समेंट सिविल जस्टिस एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की धज्जिया है जैसे यूपी के अंदर आप देखोगे आतिक अहमद का जो आप देखोगे इन द ब्रॉड डे लाइट डेलाइट uh, तो नहीं था बट रात का समय था उसमें आप देख सकते हो कि कैसे उसकी किलिंग हुई विकास दुबे केस को डाल सकते हो दिशा दिशा इनकाउंटर केस डाल सकते हो हैदराबाद के अंदर जो हुआ था ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हो जिसमें इंस्टेंट जस्टिस को तो मतलब दिखता है जहाँ पे uh, जो पुलिस की जो है प्रोफेशनलिज्म के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा ये पेपर टू के अंदर इट इज रियली इंपॉर्टेंट नेक्स्ट इज ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक निकालता है किस संदर्भ में निकालता है यह होना चाहिए इट इज ओनली फॉर दो कंट्रीज विच आर एमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज ग्लोबल जीडीपी रिपोर्ट इन्होंने बताया है कि 1.7 परसेंट से ग्रो करेगा 2023 के अंदर और इंडिया का एक्सपेक्टेशन है कि इंडिया ग्रो करेगा 6.6 परसेंट से इन 2023 के अंदर नेक्स्ट इज वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड इसमें आप देखोगे सबसे पहले आई इसको निकालता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इसके अंदर ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट जो ग्रो करेगी एक परसेंट से करेगी और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है फाइव पॉइंट एट परसेंट ही रहेगा ग्लोबल का नेक्स्ट इज काउंट ऑन टू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री रिपोर्ट डब्ल्यू हेल्थ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको निकालता है किसके बारे में ये जो आपका ट्रांस ट्रांसफैट होता है जो आप फूड कंज्यूम करते हो उसके रिलेटेड है ये तो ट्रांस फैट को एलिमिनेट करना है एलिमिनेशन दो हज़ार बाईस तो ये पर्टिकुलर रिपोर्ट थी दो हज़ार बाईस के रिलेटेड नेक्स्ट इज रूरल हेल्थ स्टेटिस्टिक रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसको निकालता है और हेल्थ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है ये सारा डेटा इस पर अपलोड कर दिया गया है दूसरा आप देखोगे देर हैज़ बिन एन ओवर फिफ्टी परसेंट राइज इन द नंबर ऑफ एलोपैथी डॉक्टर डॉक्टर्स इन प्राइमरी हेल्थ केयर कोविड के बाद से हमें काफ़ी डॉक्टर्स की स्ट्रेंथ के अंदर हमने देखा कि बहुत कमी है ऐसी कोई इवेंचुअलिटीज़ होती है या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे पास इतने डॉक्टर नहीं है इसको केटर करने के लिए ठीक है तो आपको पता है कि कुछ एलोपैथी डॉक्टर्स को भी डॉक्टर उस टाइम बना दिया गया था राइट right. ओके okay, उसके बाद आप देखोगे वी नीड टू सी ओवर फिफ्टी परसेंट राइज इन नंबर ऑफ एलोपैथी डॉक्टर्स इन प्राइमरी हेल्थ केयर्स एंड इंडिया इज फेसिंग एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर विद अ शॉर्ट फार ऑफ नियरली एटी परसेंट ऑफ़ द रिक्वायर्ड स्पेशलिस्ट एट द सी एच टी सी एच सी क्या है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर तो इतना पता होना चाहिए आपको अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई टॉपिक आता है हेल्थ सेक्टर से तो आपको यहाँ पर ये पर्टिकुलर रिपोर्ट आप लिख सकते हो पेपर टू के रिस्पेक्ट में नेक्स्ट इज बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स क्या है ये देखो बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स को कहाँ कहाँ पे आप डाल सकते हो मैं आपको बताता हूँ बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स को आप डाल सकते हो कोविड के बाद से जब इकॉमी दोबारा से पेस पिकअप कर रही है या फिर आप देखोगे कोई भी किसी भी देश के अंदर कोई घटनाएं हो जाती हैं टेररिस्ट से रिलेटेड या फिर उस उस देश की इकॉनॉमी बहुत अच्छा नहीं कर रही है इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है अनस्टेबिलिटी है जैसे श्रीलंका के अंदर थी तो जाहिर सी बात है बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स श्रीलंका के अंदर बहुत अच्छा नहीं होगा तो वहाँ पे लोग जाकर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो इसको रिलीज़ कौन करता है श्रीलंका के रिस्पेक्ट में नहीं बोला बट इंडिया के रिस्पेक्ट में इसको रिलीज करता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सी आई आई एक सौ बीस फर्म का ये लेखा जोखा देखता है कि किसकी क्या परफॉर्मेंस है एंड इट इज एन इंडिकेटर ऑफ बिजनेस सेंटीमेंट्स मेनली नेक्स्ट इज एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट एस रिपोर्ट भी बोलते हैं इसको 2022 ये एक एनजी है प्रथम प्रथम नाम का एक एन है जो कि एसर रिपोर्ट निकालता है और चार साल के गैप के बाद ये निकाल रहा है क्या करता है ये ये एज ग्रुप जो है बच्चों का तीन से सोलह साल के जो बच्चे हैं उनकी टीचिंग उनकी जो लर्निंग स्किल्स को ये नोट करता है ठीक है और इट रिकॉर्ड्स इट रिकॉर्ड्स द इम्पैक्ट ऑफ स्कूल क्लोजर्स इन 2020 2021 और उसका सभी जो फाइंडिंग्स है इन्होंने दी है नेक्स्ट इज ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको निकालता है और इसमें आप देखोगे जो भी आप देखोगे दो से ये काम कर रहा है ये ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन ठीक है तो जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है इंडिया के अंदर उन सभी को ये उनका सर्वे करता है Next is Financial Stability Report. RBI निकालता है कलेक्टिव uh, इसकी कमेटी बनी है और क्या काम करता है ये आपको बताना चाहिए इट इंडिकेट्स दैट इंडियाज बैंक एंड नॉन बैंक लेंडर्स कैन विद स्टैंड इवन वर्स्ट ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक स्ट्रेस तो एक तरह का एक स्ट्रेस टेस्ट है इट्स स्ट्रेस टेस्ट ये देखना चाहता है कि इंडिया के अंदर ऐसी कोई फाइनेंशियल सिचुएशन पैदा होती है तो क्या हमारे ये बैंक हैं उससे निपटने के लिए तैयार हैं नहीं है तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट नेक्स्ट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन निकालता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड दो बार निकालता है एक साल के अंदर आई एम एफ का एस्टिमेट आप देखोगे इन्होंने फोरकास्ट किया है ग्लोबल आउटपुट आउटपुट ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन इन्होंने बोला कुछ कुछ है कि कुछ ना कुछ इन्फ्लेशन का पंगा रहेगा और ग्लोबल जो इकोनमी है वो ज्यादा अच्छे पेस से इंक्रीज नहीं करेगी ठीक है

मेटरनल डेथ पर हंड्रेड सॉरी पर वन लाख लाइफ बर्थ बाय ट्वेंटी थर्टी ये हमारा एस गोल है सत्तर से कम का आंकड़ा हमें अचीव करना है इंडिया के अंदर अभी क्या है दैट इज अ क्वेश्चन फॉर यू प्लीज कमेंट के 2011 के सेंसेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर मेटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है नेक्स्ट इज फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी रिपोर्ट पता होना चाहिए आपको ये क्या है ये ये निकाला गया है अंडर अंडर डॉक्टर विवेक देबरॉय जो कि चेयरमैन है किसके इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर क्या काम करते हैं ये रिपोर्ट बेसिकली ये ये जो रिपोर्ट है ये फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी उसको फाइंड आउट करता है और रिपोर्ट इसको रिलीज कौन करता है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड इट इट इज़ इट्स द मेन रोल इज रोल ऑफ न्यूट्रिशन डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल अप्रोच इन असेसमेंट नेक्स्ट वुड बी मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल पावर हाउस ऑन फार्म मशीनरी इंडस्ट्री रिपोर्ट बहुत ज्यादा ग्रेट रिपोर्ट नहीं है बट आपको ये पता होना चाहिए इंडिया के अंदर आप देखोगे फार्म मैकेनाइजेशन का मतलब है सिर्फ ट्रैक्टराइजेशन किस जिसने ट्रैक्टर ले लिया वो फार्म मैकेनाइजेशन के अंदर आ गया मतलब ऐसा नहीं है फार्म मैकेनाइजेशन का मतलब सिर्फ ट्रैक्टर से रिलेटेड नहीं है बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट है जो कि फार्म्स के अंदर चाहिए इंटेलिजेंस से लेके आपके सीडर से लेके बीड रिमूवर से लेके ये सारी चीज़ें आप देखोगे दैट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू फार्म मैकेनाइजेशन बट इंडिया के अंदर ये ट्रैक्टराइजेशन का इशू है ठीक है नेक्स्ट इज मिशन अंतोदया सर्वे क्या है ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज इसको निकालता है एम क्या है इसका आउटकम ऑफ वेरियस डेवलपमेंट ठीक है इतना ही पता होना चाहिए नेक्स्ट इज इंटरनेट एडवोकेसी वास्डो एक्सेस रिपोर्ट क्या है ये इंटरनेट शटडाउन शटडाउन जो हुए थे वर्ल्ड में 2022 के अंदर इन्होंने बताया कि हाईएस्ट नंबर हमें देखने को मिला है नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स 2023 ट्वेंटी यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स आप देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है ग्रेट न्यूज नहीं है इसको आप छोड़ सकते हो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आप देखोगे इंडिया का रैंक है वन ट्वेंटी सिक्स एक सौ छियालीस कंट्री में से निकालता कौन है इसको एस डी एस एन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क एनुअल पब्लिकेशन है साल में एक बार निकलता है फिनलैंड ने दोबारा से इसको टॉप किया छः साल से फिनलैंड ही टॉप कर रहा है इसके सिक्स की फैक्टर्स है कौन कौन से सोशल इनकम हेल्थ फ्रीडम जिनरोसिटी एन एबसेंस ऑफ करप्शन नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल न्यूट्रिशन क्राइसिस इन अडोलसेंट गर्ल्स एंड वीमन रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आप इसको पेपर टू में डाल सकते हो ठीक है यूनिसेफ इसको निकालता है पंद्रह से उनचासस साल की जो रिप्रोडक्टिव एज है वीमेन की उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस को ये नोट करता है बहुत हेल्दी आप देखोगे बहुत आ, बहुत अच्छा स्टेटस नहीं बताया इन्होंने इन्होंने बताया देर आर सर्टेन इशूज़ इशूज़ लाइक जेंडर गैप इन फूड सिक्योरिटी फूड इन सिक्योरिटी तो आपको पता है कि सबसे बेटर जो फूड है द मेनली कंज्यूम बाय द मैन लेफ्ट ओवर फूड जो है फैमिलीज़ के अंदर दैट इज़ कंज्यूम बाय वमन तो न्यूट्रिशनल इनसिक्योरिटी है उनको नेक्स्ट इज ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट है यूनेस्को निकालता है मॉनिटर प्रोग्रेस टुवर्ड्स द एजुकेशन टारगेट इन द न्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट इसको निकालता कौन है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट बस इतना ही पता होना चाहिए बाकी इसके अंदर कुछ ज्यादा घुसने का नहीं है नेक्स्ट इज वुमेन बिजनेस एंड द लॉ रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक निकालता है फॉर इंडिया द इंडेक्स यूज डेटा ऑन लॉज अपलिकेशन इन मुंबई ठीक है लॉज एप्लीकेशन इन मुंबई मुंबई में ज्यादा इसको जिस आ, मतलब इसका एप्लीकेशन हो सकता है बिजनेस द लॉ रिपोर्ट उसके साथ ही हम देखते हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स आप टेररिज्म से रिलेटेड जो भी टॉपिक आए इसमें लिख सकते हो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस इसको निकालता है ग्लोबल थिंक टैंक है इसका हेडक्वार्टर सिडनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है इंडिया का रैंक आप देखोगे इन टर्म्स ऑफ अफेक्टेड कंट्रीज थर्टीन आता है और जो अफगानिस्तान है हर एक बार की तरह है. इन्होंने इसमें टॉप किया है नेक्स्ट इज कंट्री रिपोर्ट ऑन टेररिज्म ये यूएस ब्यूरो ऑफ काउंटर टेररिजम ने निकाला है कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रेट न्यूज नहीं है बट ये आपको पता होना चाहिए इंडिया ने इंप्लीमेंट कर दिया है यू एन एस सी आर नंबर टू थ्री नाइन सिक्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन टू थ्री नाइन एट सिक्स को इंडिया ने इंप्लीमेंट कर दिया है और यू एन एस आर सी क्या करता है ये अर्ज करता है मेंबर स्टेट्स को टू स्टिम थ्रेट पोज बाय फॉरेन टेररिस्ट फाइटर थ्रू मेजर्स ऑन बॉर्डर कंट्रोल थ्रू मेजर्स ऑन बॉर्डर कंट्रोल कर सकते हो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेटर कर सकते हो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग कर सकते हो काउंटर एक्सट्रीमिज्म प्रोग्राम चला सकते हो नेक्स्ट इज इंडिया स्टेट्स एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट आई ई ई और एफ ए ये है इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस ये इसको निकालता है ये इसने बताया कि दिस रिपोर्ट्स रैंकिंग 16 इंडियन स्टेट्स बेस्ड ऑन देयर एनर्जी ट्रांजिशन फ्रॉम फॉजिल फ्यूल्स टू रिनेबल एनर्जी जैसे ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस इन इंडिया ऐसा क्वेश्चन आया था इंडिया का सॉरी आपके सी एग्जाम में दो के अंदर ही तो ये रिपोर्ट बहुत हैंडी है पेपर टू में आप इनको यूज़ कर सकते हो इंडियन स्टेट एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट ओके नेक्स्ट इज सिटी फाइनेंसिंग रैंकिंग बहुत ग्रेट नहीं है बस आपको पता होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को निकालता है और जितनी भी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनको देखना है कि वहाँ उनको उनको पॉलिसी मेकिंग में हेल्प कर सकते हैं सिटी फाइनेंसिंग रैंकिंग के अंदर ठीक है नेक्स्ट इज़ वुमेन एंड मैन इन इंडिया Uh, एक रिपोर्ट है कौन निकालता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन नेक्स्ट इज बेसिक एनिमल हजबेंड्री स्टैटिस्टिक 2022 डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हजबेंड्री एंड डेरिंग इसको निकालता है बहुत ग्रेट नहीं है दोबारा से यू कैन स्किप इट रेडिएशन लेवल सर्वे आप देखोगे रेडिएशन लेवल सर्वे इंटरनेशनल एटोमिक एनर्जी एजेंसी क्या है स्पेसिफिक पब्लिक रेडिएशन एक्सपोजर इन्होंने एक पैरामीटर सेट किया है कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए पब्लिक एक्सपोजर अगर बात करो तो वन वन मिली सीवरेंट आई डोंट नो वट इज दिस यूनिट Uh, इसके साथ आप देखोगे इंडिया में केरला में सबसे ज्यादा आप देखोगे रेडिएशन है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोनेजाइट सेंड दैट इज हाई इन थोरियम तो थोरियम मोनाजाइट सेंड के अंदर सबसे ज्यादा मिलता है और इंडिया का थ्री स्टेज न्यूक्लियर पावर जो प्रोग्राम है वो भी थोरियम के ऊपर डिपेंड करता है नेक्स्ट इज इंडियन जस्टिस रिपोर्ट ये टाटा ट्रस्ट निकालता है और इसमें आप देखोगे सोशल जस्टिस कॉमन गोज कॉमन हेल्थ राइट्स इनिशिएटिव दक्ष टिस प्रयास विधि सेंट्री सारी चीजें आप देखोगे ये ये चीजें इसके अंडर आती हैं इंडियन जस्टिस रिपोर्ट के अंदर ये पार्टनरशिप करके टाटा -टा, ट्रस्ट के साथ ये सारे इन चीज़ों को हैंडल करते हैं फोर पिलर इसके अंदर क्या क्या है जस्टिस डिलीवरी द पुलिस जुडिशरी एंड लीगल एड नेक्स्ट इज लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स और इस पीछे वाली रिपोर्ट में कर्नाटका ने सबसे टॉप रैंक भी हासिल किया अमंग द एटीन लार्ज एंड मिड साइज स्टेट्स के अंदर इन टर्म्स ऑफ इंडियन जस्टिस रिपोर्ट नेक्स्ट इस लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस इंडेक्स आप देखोगे इंडिया रैंक इन द रिसेंटली वर्ल्ड बैंक निकालता है इसको ठीक है तो इसमें आप ये देखना पड़ेगा ये आइडेंटिफाई करता है चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी दे फेस इन देयर परफॉर्मेंस ऑन ट्रेड लॉजिस्टिक नेक्स्ट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये क्या है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है ये आई एम एफ इस रिपोर्ट को निकालता है ये बता रहा है कि कोविड के बाद से रिकवरी कैसी है क्या लेवल है क्या स्टेटिस्टिक्स है तो ये बोल रहे एक रॉकी रिकवरी हुई है और uh, इसमें ज़्यादा ऐड करने का नहीं है नेक्स्ट इज वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक निकालता है और माइग्रेंट्स जो हैं रेफ्यूजी जो हैं सोसाइटी जो हैं ये बेसिकली इन, इनको नोट करता है इनकी क्या प्रॉब्लम्स है नेक्स्ट इज वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक 2023 रिपोर्ट है आई इंटरनेशनल रिनेबल एनर्जी एजेंसी इसको निकालता है और इन्होंने बोला कि वी आर ऑन ऑफ ट्रैक जो 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो हमने डिसीजन लिया था पेरिस क्लाइमेट डील में कि इससे ज़्यादा तो हम टेम्परेचर बढ़ने ही नहीं देंगे लेकिन विद दिस विद दिस ट्रेंड ऑफ एमिशन विद दिस प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ एमिशन हमें यह लगता है कि हम इस uh, जो हमने अचीवमेंट जो हमें करनी थी जो हमने टारगेट जो रखा था वो शायद अचीव ना हो पाए विद द करंट ट्रैक रिकॉर्ड और इंडिया इसका फाउंडिंग मेम्बर है और इसका हेडकोार्टर अबू धाबी यू के अंदर है नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट अब भाई बात ऐसी है कि हम ऑलरेडी ये रिपोर्ट आ चुकी है इसने पहले एक्सपेक्ट किया था कि जुलाई के अंदर हम सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएंगे जो कि हम ऑलरेडी बन गए हैं और चाइना से ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन हो चुकी है और इंडिया के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो ये है इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो दो है जो कि वर्ल्ड एवरेज से टू जो वर्ल्ड एवरेज टू है उससे कम है प्लस रिप्लेसमेंट रेट जो होता है टू उससे भी कम है ओके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है नेक्स्ट इज़ ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट आप देखोगे आई एफ पी आर आई ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट ये अर्ली मॉर्निंग सिस्टम इंस्टॉल करने की बात करता है इन टर्म्स ऑफ दिस फूड पॉलिसी रिपोर्ट से लेके और दैट विल हेल्प इन सेविंग सम लाइव लाइवलीहुड एंड मनी एंड आई थिंक दिस इज़ द लास्ट और इतना ही था इस पर्टिकुलर uh, वीडियो के अंदर बाकी जो है हम और भी डिस्कशन करेंगे प्लेसेस इन न्यूज़ को लेके एक वीडियो आ रही है सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो थैंक यू गाइस कुछ चीज़ें समझ में नहीं आए थे कैन आस्क थैंक यू